How to apply in UPG, NM and Mithibai College for 2024? Forms कब open होंगे, कैसे apply करना है, कितना minimal percentage होना चाहिए? I'll share each and every detail, guys. So make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So please do subscribe. First thing, UPG, NM and Mithibai, ये तीनों college जो है, वो एक ही group के अंदर आता है, SVKM. And there is Gujarati minority. So if you are a Gujarati student, then you can apply in minority. But एक condition है कि अगर आप महाराष्ट्र से हो तो ही आपका state certificate apply होगा, minority certificate. But अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो आपको national certificate produce करना पड़ेगा. Then only you can apply for the quota. Now talking about other quota such as SC, ST, OBC, ये भी है. जब आप form भरोगे आपको quota के under apply करना है. But सभी के लिए national सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो. सेकेंड इज एप्लीकेशन प्रोसेस. नाउ यूपीजी, एनएम, मिठीबाई ये तीनों ही कॉलेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एंड अभी तो यूपीजी भी ऑटोनॉमस हो गया है. तो इनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सिंपल है. आपको मुंबई यूनिवर्सिटी पे पहले खुद को रजिस्टर करना है, कॉलेज को सेलेक्ट करना है. अगर आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हो, यूपीजी, एनएम, मिठीबाई, तीनों आपको सेलेक्ट कर लेना है. मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट उसे बोलते हैं. एंड उसके बाद आपको इनके इंडिविजुअल कॉलेज वेबसाइट पे जाना है. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट. एनएम का अलग फॉर्म भरना है, मिठीबाई का अलग फॉर्म भरना है, यूपीजी का अलग फॉर्म भरना है. So, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप NM में फॉर्म भर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे BMM जैसे जो सब्जेक्ट्स है वो ऑफर नहीं होते हैं. दैट इज अ कॉमर्स कॉलेज. अगर आप मिठीबाई की बात करो तो वहां पे BMM ऑफर होता है. तो अगर मास मीडिया अप्लाई करना चाहते हो तो आप मिठीबाई में कर सकते हो और UPG में कर सकते हो. और UPG के भी अलग कोर्सेज हैं तो आपको वो उनके वेबसाइट पे चेक करना है. मैं तीनों की जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ लिंक, सो दैट यू कैन बुकमार्क एंड कीप. जब भी आपका ये पूरा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो आपको ये तीनों वेबसाइट पे ही सारे नोटिसेस आ रहे होंगे. एंड यस, डेफिनेटली मीडिया मेंटर पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी. तो फॉर दैट यू स्टे ट्यून्ड. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. ऑल्सो गाइज, वी डू एडमिशन असिस्टेंस. अगर आपको फॉर्म फिलिंग कराना है, आई हैव अ सेपरेट टीम जो आपको एडमिशन असिस्टेंस देती है, ऑल्सो आपका फॉर्म भी फिल करती है. अगर आपको इस पे डिटेल चाहिए, लाइक आप अपना फॉर्म भरवाना चाहते हो मेरी टीम से, देन यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. तीसरी चीज आ जाती है आपका डॉक्यूमेंट्स. गाइज, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बेसिक लगेंगे. 10वीं 12वीं का मार्कशीट, देन आपका आधार कार्ड, देन आपका जो है बर्थ प्रूफ, ये सारी चीजें. तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है. अगर आप गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आप गैप सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे सबमिट करोगे. फॉर्म में देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको सिर्फ मेंशन करना है गैप ईयर, क्योंकि वो तो आप जब अपना 12वीं का साल मेंशन करोगे कि किस साल आपने पास किया है, उसके हिसाब से आपको गैप ईयर रेगुलर स्टूडेंट का ऑप्शन आता है, वो आपको फिल करना है. तो डॉक्यूमेंट्स में यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर्म भरते टाइम सिर्फ माइनॉरिटी में अप्लाई करना है. जो सर्टिफिकेट और फॉर्म सारी चीजें हैं वो आप एडमिशन के टाइम सबमिट करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या एंट्रेंस एग्जाम है. गाइस, एंट्रेंस एग्जाम सभी कैंसिल हो चुके हैं. मिठीबाई, एनएम और यूपीजी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा है. एडमिशन जो है वो कंप्लीटली आपके 12th के मार्क्स के ऊपर होने वाले हैं. देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम. सो डू नॉट गेट पैनिक कि CUET देना है, मिनसेट देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कुछ नहीं देना है. 12वीं का जो स्कोर है उसी के ऊपर आपकी मेरिट लगेगी. एडमिशन शुरू कब होंगे. नाउ एडमिशन गाइज, आपका जब 12वीं का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक से ये सारा चीज शुरू हो जाना चाहिए. और अपडेट आना तो अभी फिलहाल बोलते हैं ना 15 मार्च से, जैसे आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे. उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, आई विल पुट ऑल द अपडेट फॉर यू गाइज कि फॉर्म कब खुले हैं, कब तक खुले रहेंगे, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, वो सारा वीडियो चैनल पे आ जाएगा. लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा. गाइज, अगर आप गुजराती माइनॉरिटी कोटा में कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखिए देर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन बिकॉज काफ़ी बच्चे तीन कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं. यू हैव टू स्कोर मिनिमल 70% अबव. अगर आप गुजराती कोटा में लगा रहे हो तो 70% तो मिनिमम है कि आपका भाई मेरिट में आएगा.
दूसरा चीज, अगर आप जनरल कैटेगरी से लगा रहे हो गाइस, 85 अबव इज द मिनिमम परसेंटेज दैट यू नीड. 80-85 के ऊपर तो लाना ही है कि भाई आपकी मेरिट में भी बन जाए. देयर आर लॉट ऑफ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज दैट दे ऑफर. बीकॉम, बीएससी और बीए मिठीबाई ऑफर करता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. गाइस ये कॉलेजेस के अलग अलग, अगर आपको चाहिए कि कोर्सेज कौन से ऑफर करता है, उस पर मैं रील बना के डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, तो वो आप देख लेना सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि भाई कौन से कोर्सेज के लिए कौन से कॉलेज को रखना है. बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइज, लेट मी टेल यू, बेस्ट ऑफ फाइव ऐसी गलती मत करना. फॉर्म जब आप भरोगे, अभी तक तो जो भी पॉलिसी चल रही है कॉलेजेस की, आपको अपना पूरा ओवरऑल परसेंटेज भरना है. सीबीएसई की तरह या दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह मुंबई यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑफ फाइव या बेस्ट ऑफ फोर ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको अपना ओवरऑल परसेंटेज डालना है. एंड येस, लेट मी ऑल्सो क्लियर वन मोर थिंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NMIMS, आई एम टॉकिंग अबाउट NM कॉलेज. और NMIMS और NM कॉलेज में बहुत अंतर है गाइस. NMIMS जो है वो इनका प्राइवेट कॉलेज है जिनकी फीस स्ट्रक्चर सारी ही चीजें बहुत अलग है. नाउ ऑल्सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीस स्ट्रक्चर गाइस. लास्ट ईयर ही काफी ज्यादा इन्होंने फीस हाइकअप की है, जो कि गई है 49,000-50,000 पर एनम, विच इज नॉट दैट मच. ऑल्सो बीकॉम जो रेगुलर कोर्सेज है उनकी फीस काफी कम है, 8,000-18,000 सालाना है. और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की जो फीस है वो 49,000-50,000 के आसपास है फॉर द होल ईयर. आई होप गाइज आपका जो एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है वो क्लियर हो गया हो. फिर भी इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली एंड क्लियर एनी ऑफ द डाउट दैट यू हैव, जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स फॉर पर्सनल काउंसलिंग सेशन. आई होप गाइज द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन मीडिया मेटर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.